हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लीब्रा कैल्क में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप अगर यहां पे देखिए टोटल किया है मैंने, इसको मैं पहले बॉर्डर लगा देता हूं, यहां से ये लगा दिया हमने बॉर्डर। और अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने टोटल किया है सम फार्मूले की मदद से। यहां पर मैं आपको F2 करके दिखा भी देता हूं, ये देखिए सम फार्मूला लगाया है और यहां पर टोटल किया है मैंने। जब टोटल हम कर लेते हैं तो फिर यहां से हम ड्रैग करवाते हैं, ठीक। और तो ड्रैग नहीं करवाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां पे इसको सेलेक्ट कीजिए लाइक एक्सेल, एक्सेल में भी ये शॉर्टकट की काम करती है। इसी तरीके से आप यहां पर भी कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए और ये सारी वैल्यूज कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब ये तो कॉपी हो जाएंगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग लगाई जाए, जैसे कि मैं यहां पे फॉर्मेटिंग लगा देता हूं, इसका कलर बना दिया मैंने रेड और इसको कर दिया बोल्ड, ठीक है, तो क्या ये फॉर्मेटिंग भी अप्लाई होगी या नहीं होगी, सवाल यहां पर है। तो इसको यहां से पहले सेलेक्ट कर लेता हूं और अब वापिस से प्रेस कर देते हैं कंट्रोल के साथ डी। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मेटिंग भी इस पे अप्लाई हो जा रही है। एक बार फिर देखिए, कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए डी, तो देखिए ये फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जा रही है। अगर आप इसमें अंडरलाइन वगैरह भी दे देते हैं लाइक यहां पे देखिए, यहां पे मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देता हूं तो ये अंडरलाइन हो गया, देख सकते हैं। और आप इसको यहां से यहां तक नीचे सेलेक्ट कर लिया और फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो फॉर्मेटिंग भी इसके साथ साथ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है कि नहीं होती है, तो फॉर्मेटिंग हमेशा अप्लाई हो जाएगी, ओके।